जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नीट यूजी एडमिट कार्ड 2023 के बारे में, जो कि फाइनली एंड ऑफिशियली जारी हो चुके हैं। आप अपने एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। एंड मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड अभी भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे, कहाँ पर अपनी जानकारी सेंड करनी है, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाने, एंड क्या क्या चीजें आपको इस एडमिट कार्ड के अंदर भी ऐड करनी है। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, ताकि आपसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो ऐसे में आप एग्जाम सेंटर के ऊपर प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार से अच्छे अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने यहां पर इस एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कब से लेकर के कब तक आपने फॉर्म को भरा था। तो ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप आएंगे, और आपको यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स के में मैंने डायरेक्ट लिंक दे दिया, नीट यूजी एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक। आप यहां पर जैसे इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आप यहां पर इस लिंक को जो एनटीए नीट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर भी देख सकते हैं, कैंडिडेट एक्टिविटी में डाउनलोड एडमिट कार्ड का लिंक है। आप इस लिंक के ऊपर भी क्लिक करके यहीं पर आ जाएंगे। अब आपको यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, जो कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद में मिला था। एंड यहां पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा था, वो डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करेंगे। एंड सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद में आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। मेरे सामने कुछ ऐसे प्रॉब्लम आए कि कैंडिडेट कह रहे कि सर सिक्योरिटी पिन मैच नहीं हो रहा है, बट जब मैंने अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश की तो कोई भी मेरे सामने ऐसा एरर नहीं आया। इसलिए अगर आपको सिक्योरिटी पिन समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहां पर रिफ्रेश के आइकन के ऊपर क्लिक करके न्यू सिक्योरिटी पिन ले आए, जो आपको साफ साफ नजर आए, और फिर वो आप यहां पर भर दे, एंड देन सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। आप यहां पर डायरेक्टली डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करके इस एडमिट कार्ड की जो फाइल है वो डाउनलोड कर पाएंगे। अभी मैं आपको डायरेक्टली यहीं से दिखा रहा हूं कि कैसे आप इसमें जो चीजें हैं एडमिट कार्ड में वो ऐड करेंगे। आप यहां पर आएंगे, आपको यहां पर जो आपका क्वेश्चन पेपर मीडियम है वो जानने को मिलेगा, डेट ऑफ एग्जाम यहां पर दी गई है, और जो रिपोर्टिंग टाइम है वो यहां पर दिया है 2:20 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और जो गेट क्लोजिंग टाइम है वो भी आपका 1:30 बजे रखा है। टाइमिंग ऑफ टेस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगी, और टेस्ट सेंटर नेम यहां पर दिया है, टेस्ट सेंटर जो एड्रेस है वो भी आपको यहां पर दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आता है आपके सामने सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। अब इसमें क्या करना है वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको ये लाइंस दी गई है, जो यहाँ पर लिखी गई है, जैसे कि आपका नाम, फिर आपका एड्रेस, इसके बाद डू हैव डिक्लेयर द फॉलोइंग दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस, ये आई हैव रीड द डिटेल्ड इंपॉर्टेंट, यानी कि मैंने ये सभी चीज़ें पढ़ ली है। अब आपको यहाँ पर बोला है कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी कि सेंटर पर पहुँचने से पहले आपको यहाँ पर सेम फोटो चिपकाना है, जो कि आपने फॉर्म के अंदर यूज किया था, जो कि फोटो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी है, सेम फोटो आप यहां पर लगाएंगे। इसके बाद आता है कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी कि सेंटर पर पहुंचने से पहले आपको यहां पर आपके बाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा। देन आता है यहां पर कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर ओनली, यानी कि ये दो चीजें हैं, आपका फोटो एंड जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, ये तो आप घर से भी लेकर के लगा करके चिपका करके जा सकते हैं, बट जो आपका यहां पर साइन है, ये आप वहां पर इन्विजिलेटर यानी कि जो आपके रूम निरीक्षक होंगे उन्हीं के सामने आपको यहां पर आपका सिग्नेचर करना होगा। इसके बाद में आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब आप नीचे आइए, इसमें यहां पर आपको बोला है कि द अबो अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड अप इन द एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेंटर पर पहुंचने से पहले ही आपका सिग्नेचर सिग्नेचर को छोड़ करके आपका फोटो एंड जो आपका थंब इंप्रेशन है वो लगा सकते हैं, एक्सेप्ट कैंडिडेट सिग्नेचर, जो कि यहां पर आपको बोला भी है। कैंडिडेट सिग्नेचर आपको इन्विजिलेटर यानी कि रूम निरीक्षक के सामने ही वहां पर करना होगा। अब आता है प्लीज पेस्ट कैंडिडेट पोस्टकार्ड साइज 4x6 कलर फोटोग्राफ हियर बिफोर रीचिंग द सेंटर सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अब आपको यहां पर आपका जो पोस्टकार्ड फोटो आपसे लिया था इस बार जब आपने फॉर्म को भरा था, वही सेम साइज का फोटो आप यहां पर चिपकाएंगे। एंड पोस्टकार्ड का जो इन्होंने एक साइज है वो भी बता दिया है, 4x6 सेंटीमीटर जो इंच है वो आपका इसका साइज रहना चाहिए। एंड द कैंडिडेट एंड द इन्विजिलेटर टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ एज इंडिकेट इन द इंस्ट्रक्शंस बिलो, यानी कि जो कैंडिडेट है और जो इन्विजिलेटर यानी कि जो आपके रूम निरीक्षक है वो आपके फोटो पर साइन अक्रॉस करेंगे वहीं पर जब आपका एग्जाम चल रहा होगा, और इसमें इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये चीजें आपको बताई है।
अब आप फिर से नीचे जो आपकी डेट ऑफ एग्जाम है, जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे, फिर यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सिग्नेचर यानी कि जो आपके रूम निरीक्षक होंगे उनके सिग्नेचर करने हैं। कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डेट ऑफ यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन कैंडिडेट को यहाँ पर सिग्नेचर करने होंगे। अब फिर से इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आइए, यहाँ पर आपको बोला कि द कैंडिडेट इज टू पेस्ट द लेटेस्ट कलर्ड पोस्ट कार्ड साइज, जो कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर आपको बताई गई जगह पर आपका पोस्ट कार्ड फोटो लगाना है। इंडिविजुअल सेल इंश्योर डैट द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑन द पेज मैच विद द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यानी कि जो आपका फोटो आपने फॉर्म के अंदर दिया था वो एंड जो सिग्नेचर आपने फॉर्म के अंदर दिया था वो और जो आप यहां पर लगाएंगे फोटो और जो सिग्नेचर करेंगे वो आपके सेम होने चाहिए। द कैंडिडेट इज टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन लेफ्ट साइड, यानी कि जो फोटो है आपका, तो ये जो अभी आप पोस्ट कार्ड फोटो यहां पर लगाएंगे उस पर आपको लेफ्ट साइड पर सिग्नेचर करना है, आधा फोटो के ऊपर और आधा जो ब्लैंक पेज है उसके ऊपर। और इसके बाद में द इन्विजिलेटर साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि जो राइट साइड है आपके फोटो की उस पर इन्विजिलेटर करेंगे साइन, आधा फोटो पर और आधा आपका पेज पर, इसको साइन अक्रॉस बोलते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू ब्रिंग दिस पेज ऑफ द एडमिट कार्ड विद पेस्टेड फोटोग्राफ, इफ सी डजंट ब्रिंग दिस देन सी ही विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आप ये चीज वहां पर लेकर के नहीं गए जो कि अभी आपको यहां पर बताई जा रही है तो फिर वहां पर आपको एग्जाम सेंटर पर अनुमति नहीं दी जाएगी। इट इज मैंडेटरी टू हैंड ओवर दिस टू इन्विजिलेटर, यानी कि इन्विजिलेटर को ये हैंड ओवर करना अनिवार्य है। अब यहां पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस आपके सामने हैं। आपको कहा कि द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम इंडिकेटेड, यानी कि जो आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया है उसके आधा घंटे पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। आपका जो एक इस तरह से एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर थोड़ी सेटिंग करने में वक्त लग जाता है, इसलिए आप वहाँ पर पहले पहुँच जाइए कम से कम आधा घंटा, अगर आप कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना नहीं चाहते। फिर नो कैंडिडेट सेल भी, यानी कि बिना आपका जो यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है उसके अगर आप लेट हो जाते तो फिर आपको कोई अनुमति वहाँ पर नहीं दी जाएगी। बिना एडमिट कार्ड के तो आपको अनुमति देना बनता ही नहीं है। एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस, आपको इंस्ट्रक्शंस का वेट करना होगा एग्जाम कंप्लीट होने पर कि आपको वो छोड़े और आपकी जो डिटेल्स है वो वहां से कलेक्ट करे। इसके बाद में बाकी के जो इंस्ट्रक्शंस है मेन जो आपको यहां पर बोल्ड वर्ड में दिया है ये चीजें आपको फॉलो करनी है, जैसे कि आपको एक गवर्नमेंट आईडी भी लेकर के जानी है विदाउट एडमिट कार्ड वैलिड आईडी फोटो एंड प्रॉपर फिस्किंग आपको वहां पर अनुमति नहीं दी जाएगी एग्जाम सेंटर पर। इसी के साथ में पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेकर के जा सकते हैं, एडिशनल फोटोग्राफ से इमेज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस सीट, यानी कि एक फोटो तो आप यहां पर लगा ही रहे, इसके अलावा आपको सेम फोटो एक और अलग से लेकर के जाना है। एक क्या मैं तो कहता हूं कि आप दो फोटो लेकर के जाइएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम वहां पर फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा आप पर्सनल हैंड सैनिटाइजर की 50 ml की बोतल भी लेकर के जा सकते हैं। एंड गाइस यहां पर ये जो एडमिट कार्ड आप प्रिंट करेंगे ये आपको A4 साइज के पेपर पर करना है। तो आई होप आपने यहां पर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान ली है। अब बात करते हैं कि अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आप मेरे द्वारा कैसे कराएंगे, तो ये जो लिंक मैंने आपको हमारी वेबसाइट का दिया है आपको ओपन करके सबसे लास्ट में आना है और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आपका नाम लिखेंगे, आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर जिसमें कि आप आपका व्हाट्सएप नंबर देंगे, मैसेज के अंदर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर और यहां पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ और तीसरी महत्वपूर्ण लाइन लिखनी है आपको नीट यूजी एडमिट कार्ड 2023, क्योंकि तभी मुझे समझ में आएगा कि ये किस चीज की इन्फॉर्मेशन है। इसलिए एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नीट यूजी एडमिट कार्ड 2023 यहां पर लिखिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में जानकारी मेरे पास आ जाएगी और फिर मेरे जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा और उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज किसी भी तरह का नहीं लिया जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी नीट यूजी एडमिट कार्ड 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी डॉक्यूमेंट के इंस्ट्रक्शंस के साथ में। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।